सहारनपुर में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले कुछ परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कोई बसपा का दामन थाम रहा है तो कोई फिर सपा से भाजपा में शामिल हो रहा है। और अगर हम ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करें तो पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अभी मौजूदा दौर में सपा छोड़कर फिर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन तमाम घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता चौधरी इंद्र सेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत स्वागत। चौधरी साहब, चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव, लोकसभा के चुनाव, बहुत सियासी घटनाक्रम ज़िले में हो रहे हैं, तो सबके मन में ये है कि चौधरी साहब कौन सी पारी खेलेंगे, लोकसभा की खेलेंगे या कुछ जो अफवाहें चल रही हैं कि भाई पार्टी भी छोड़ सकते हैं, दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप? नहीं, हमारी लोकसभा के लिए पूरी तैयारी है। अभी हमने पिछले दिनों में भी कहा था कि हम लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम रही पार्टी की बात, पार्टी के संबंध में तो हमारे दिलो दिमाग में अभी कोई ऐसी बात है ही नहीं। समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी से आगे किसी पार्टी के बारे में हमने अभी तक कोई सोचा तक नहीं। ऐसे ही लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। अब ये कह लीजिए कि कार्यकर्ता कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आप भाजपा में चले जाइए, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही है क्षेत्र से, क्या इनमें कितनी सच्चाई है? देखो, जिसके साथ जन समर्थन होगा, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ बहुत मजबूत साथी हैं। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी, उनकी विचारधारा से जो प्रभावित हैं, आज भी वो हमें अपना भरपूर आशीर्वाद जन समर्थन दे रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चर्चा तो होगी ही होगी, जिसके साथ जन समर्थन जुड़ा हुआ होगा तो चर्चा तो उसकी होगी। लेकिन चौधरी साहब, मैं इतिहास के बारे में बात करूं, मैंने सवाल आपसे पहले भी पूछा था कि अगर पहले ये फैसला हो जाता, अब आप ठीक है समाजवादी पार्टी में हैं, आपका विश्वास अखिलेश यादव जी में है, लेकिन 17 के बाद का जो चुनाव 18 का था या 19 का लोकसभा था, उसमें अगर कुछ इस तरीके के फैसले हो जाते भाजपा में जाने के, तो आपको नहीं लगता कि आज राजनीति की तस्वीर आपकी कुछ और हो सकती थी? देखिए, जो भाग्य में लिखा हुआ है उससे अधिक न तो कोई दे सकता और न कोई उससे अधिक छीन सकता। अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता, तो ये तो अगर और मगर के सवाल हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना था। ये बात सही है कि हमारे सामने ये सारी बातें आई थी जी 2017 में भी भाजपा की तरफ से हमारे बारे में आई थी, 19 में भी बहुत जबरदस्त तरीके से ये चर्चाएं चली थी जी, आई भी थी बात आपके 22 में भी। लेकिन हम मन नहीं बना पाए, क्योंकि ये जहाँ है मजबूती के साथ वहीं पर हम डटे हुए हैं। ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा कि देखिए, राजनीति में फैसले लेना ही एक उचित समय लगता है। जैसे अब देखिए, राजनीति में सही समय पर सही फैसला लिया जाए तो हो सकता है कुछ तस्वीर बदल जाए, क्योंकि मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं, इमरान मसूद ने तुरंत सपा छोड़ी, बसपा में आ गए। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को देख लीजिए, सपा छोड़ के फिर दोबारा भाजपा में आ गए। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या जो उसूलों की राजनीति चौधरी साहब ने की है, क्या उस पर चल के आपको सफलता मिलेगी, या जिस तरीके की मौजूदा दौर में राजनीति चल रही है, इस पे ट्रैक पर चलेगी आपकी गाड़ी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने आदर्श, मूल्य, सिद्धांत ये राजनीति में स्थापित किए, उनके आधार पे उन्होंने राजनीतिक शिखर को छुआ। वो एक व्यक्तित्व थे। कोशिश हमारी यही है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ें। उतार चढ़ाव ये चलता रहता है राजनीति में, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका सामना करना दूसरी बात है। कि आज की टाइम में ये भी बात सही है आपकी कि उसूल और राजनीति, हाँ, और उसूल और सिद्धांत आज के समय में बहुत कम होते जा रहे हैं जी। नेता अपने लिए भाग दौड़ कर रहा है, जनता के लिए भाग दौड़ नहीं कर रहा है। न तो हम इमरान मसूद हैं, न हम धर्म सिंह सैनी हैं। तो आपको लगता है कि जैसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों को सामने रखते हुए, हो सकता है बसपा का कुछ दलित मुस्लिम समीकरण, जिसको आपने हिंदू मुस्लिम समीकरण कहा था कि हमें हम के साथ चलना है, ऐसे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अपना हो सकता है कुछ व्यक्तिगत लाभ देख रहे हों, आपको नहीं लगता कि आपको भी अब वो समय आ गया है कि जब
विधायक हो, एमएलसी हो, सांसद हो, उस पद पर पहुंचना चाहिए? डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी किस आधार पे जा रहे हैं पार्टी में, उसका जवाब तो देखिए वही दे सकते हैं। क्या उनके व्यक्तिगत हित हैं, क्या नहीं है, वो तो वही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, फैसला लें। मैं ये नहीं कहता कि पार्टी में परिवर्तन नहीं होता, पार्टी में पार्टी बदलनी भी पड़ती है जी, लेकिन उसमें जनहित के मुद्दे शामिल होने चाहिए, जनता के हितों के लिए ये निर्णय लेने चाहिए। लिए जाते हैं निर्णय भी, बड़े बड़े निर्णय लिए गए, बहुत बड़े बड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में आज के समय में आप देख लीजिए जी। तो जो जनता के हित में हो कोई भी निर्णय उसमें लेने चाहिए। व्यक्तिगत हित से ऊपर है राज्य हित, देश हित, जनता हित। तो आपको लगता है डॉक्टर साहब ने व्यक्तिगत हित से गए हैं? नहीं, मैं उनके बारे में नहीं टिप्पणी कर सकता, वो तो बेहतर वही जवाब दे सकते हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के, उन्होंने व्यक्तिगत हित में लिया या किस हित में लिया। आप देखिए इतने बड़े नाम, पूर्व मंत्री, चुनाव भी लड़े, बहुत कम अंतर से जो है वो हारे हैं, तो एक समाजवादी पार्टी को एक झटके के तौर पर नहीं देखते हैं आप इसको जिले के अंदर? पार्टी में बहुतों का आना और जाना ये लगा रहता है, पार्टी हमेशा पार्टी रहती है। झटका लगा या नहीं लगा ये तो आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिएगा कि किस नेता से कितना फायदा पार्टी को हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो चौधरी साहब, अब जो ये दलित मुस्लिम समीकरण, इसके अलावा भाजपा पर आप ये भी कह चुके हैं कि देखिए भाजपा तो इतनी सांप्रदायिक नहीं है जितना काजी परिवार सांप्रदायिक है, तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है जिले में? ऐसा तो नहीं होने का कि कहीं दलित और मुस्लिम समीकरण वर्सेज भाजपा का ही चुनाव हो जाए, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुँच जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में जो बीएसपी का वोट है 50% तो वो डाइवर्ट हो गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो रिकॉर्ड्स आए। हमारे यहाँ जो गंगो विधानसभा, उसमें अगर बीएसपी का वोट बीएसपी पर रह जाता, जो बेस वोट कहा जाए उनका, तो चुनाव हम जीत रहे थे। तो समीकरण बदलते रहे। दलित और मुस्लिम की जो ये बात कर रहे हैं, जिसका नाम आप ले रहे, पहली बात तो ये है कि वो नेता ही नहीं है। नेता का मतलब नेतृत्व करना हो, विपरीत परिस्थितियों में भी नेतृत्व करने की बात हो। और मैंने पहले भी कहा था कि क्या दलित हिंदू नहीं है? दलित भी तो हिंदू है। क्या केवल किसी एक बिरादरी या संप्रदाय के साथ ही चुनाव जीता जा सकता है? देश तो सभी को साथ लेके चलने में, जो नेतृत्व करने वाला है उनको तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो बहुत घोर सांप्रदायिक है ये लोग। तो मैं आज भी कहता हूँ कि सांप्रदायिकता को पनपाने में, पोषित करने में अगर सबसे ज्यादा आगे हैं तो यही लोग हैं। अब देखिए वो इस बात को मुद्दा बना लेते हैं। अब दलित एकदम दलित और मुस्लिम, मैंने जवाब दिया था कि मजबूती के साथ लड़ेंगे हम, ऐसे हिंदू और मैं ऐसे मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मिला के उसमें सभी जाति धर्म के लोग आ गए। लेकिन देखिए वो इसी बात को मुद्दा बना लेते हैं, जब आप भाजपा को कहते हैं कि वो इतने सांप्रदायिक नहीं, हम सांप्रदायिक हैं, तो वो कहते हैं कि चौधरी परिवार ही भाजपा की बी टीम है। नहीं, बी टीम हम क्यों है? हम तो उनको जवाब दें, हम तो ए टीम है, ए टीम ही रहेंगे और ए प्लस टीम है। वे लोग जिस तरीके की बात करें वो बी टीम वो हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। और साबित भी है, क्या कोऑपरेटिव के चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? क्या ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उन्होंने खुलेआम बीजेपी का नहीं साथ दिया था? पूछ लीजिए गंगो विधानसभा में जाके। क्या एमएलसी का चुनाव जो राव साहब लड़ रहे थे जोला के, अपने जो वोट है इन्होंने जो तथाकथित कद्दावर गंगो के भी हैं, उन्होंने बीजेपी के एजेंट को दिए? सबको नहीं मालूम है तो कौन हुआ बी टीम? लेकिन मुसलमानों के हित को बहुत ज्यादा प्रमुखता से उठाते हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमारा क्या मुसलमानों का हित किया उन्होंने आज तक? ये बोल बोल के सबसे अधिक शोषण कर रहे हैं मुसलमानों का। बताए, एक बताएगा कि इन्होंने यू हित किया? ये बोलते थे आके आजम खान साहब की लड़ाई नहीं लड़ रहे, महमूद अली है बसपा में, अब तो बसपा में लड़ाई लड़ो ने, उतरो सड़कों पे।
उनके लिए संघर्ष करो जो ये बोल बोलते हैं। इतना बोल बोलना चाहिए जितना कर सके। एक बात उन्होंने और कही कि देखिए अगर इकरा हसन चुनाव लड़ती है तो वो उसका साथ देंगे, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन सी पार्टी से हम साथ देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर बसपा से चुनाव लड़ती हैं तो हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर वो और पार्टी से चुनाव समाजवादी जैसे कि किसी और उम्मीदवार को उतारेंगे तो फिर हम उसका विरोध करेंगे। तो इकरा हसन और नाहिद हसन के परिवार से जो उनकी नज़दीकियाँ हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? उनकी नज़दीकियाँ किसी से नहीं है। मुझे तो अब ऐसा संदेह लग रहा है कि शायद उनकी नज़दीकियाँ अपने आप से भी नहीं है, अपने आप से भी खत्म होगी। उन्हें यही नहीं मालूम है कि हमें राजनीतिक दिशा में क्या तय करना है, क्या नहीं, किधर चलना है, किधर नहीं है। मुझे तो कुछ नजर आ नहीं रहा क्या बोलते हैं, आज क्या बोल रहे, कल क्या बोल रहे। स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, चौथा मेरे दो तीन सवाल हो रहे हैं। बस एक सवाल ये है कि इकरा हसन भी चुनाव में टिकट मांग रही हैं, तो अगर उनका टिकट होता है तो क्या इतिहास को दोबारा दोहराया तो नहीं जाएगा? देखो, आप उनके साथ रहेंगे? देखो, वो पार्टी में है, जो भी पार्टी में है अपनी टिकट की दावेदारी करने का सबको अधिकार है। कोई भी है वो पार्टी में रह के टिकट की दावेदारी कर सके। लेकिन हमने आपसे बताया कि अगर मगर ये सारी चीज़ पहले भी हमने कहा, हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे हम। ठीक, एक सवाल ये है कि ज़िले के अंदर दो विधायक आपके, एक एमएलसी और एक एमएलसी पहले से ही पठान यहाँ पर थे और विधायक थे, फिर एमएलसी बना दिया पठान को, तो आपको लगता है कि देखिए जिला अध्यक्ष भी मुस्लिम बना दिया, किसी और बिरादरी को आपकी पार्टी क्यों सहारनपुर खासकर पश्चिम में वर्चस्व के ऊपर क्यों नहीं ले जा रही है? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने किस आधार पर निर्णय लिया वो तो वही जान सकते हैं, कुछ सोचा ही होगा। पहले मेरा अंतिम सवाल ये है कि अब आपके कार्यकर्ताओं में खासकर ये एक संदेश जा रहा है कि चौधरी साहब सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, समाजवादी से आप मांग रहे हैं, या सीट भी अदल बदल हो सकती है, सहारनपुर लोकसभा या कैराना से लड़ेंगे, समाजवादी से लड़ेंगे, या और किसी दल में जाने की तैयारी हो रही है? ये मेरा अंतिम सवाल। हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता इतने कमज़ोर नहीं है, वे बहुत हौसले के हैं। वो कभी इन चर्चाओं में विश्वास नहीं करते, ये जो विरोधी लोग हैं ये चर्चा करते रहते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने संपर्कों में पूरे लगे हुए हैं। नहीं उन्होंने कभी ये सवाल किया कि कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, कौन सी से नहीं। उन्होंने तो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के समय से ही हमेशा हर विपरीत परिस्थितियां झेली, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं तो परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि ऐसे साथी हमें मिले, ऐसे कार्यकर्ता हमें मिले, तो यही सबसे बड़ा पद हमारे लिए है। इससे बड़ी खुशकिस्मती और कुछ नहीं हो सकती। ये किसी के पास ऐसे साथी और कार्यकर्ता नहीं होंगे। एक आवाज़ पे आज भी वो सब एकजुट होकर, एक जगह होकर जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को लेकर वे आगे बढ़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। देखिए चौधरी साहब कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, अब तो ये फैसला हो चुका है कि चुनाव लड़ेंगे, अब किस पार्टी से लड़ेंगे, समाजवादी से लड़ेंगे, ये बता दीजिए कि किसी और दल से तो नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, अच्छा एक तो बताइए, पार्टी में समाजवादी में है हम, तो दल कौन सा आ गया? कॉन्फिडेंस हो चुका, कई सारी झंडी मिल चुकी है चौधरी साहब। अच्छा एक बताओ, आप जो हरी झंडी की तो आपको प्रत्याशी मान ले, हम ये बताइए समाजवादी पार्टी से लोकसभा का प्रत्याशी आपको मान लिया जाए? ये तो आपके बड़प्पन होगा। चलिए धन्यवाद चौधरी साहब, तो बड़ी बात यहाँ पर चौधरी साहब ने की, ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।